आखिर कैसे कुछ साइंटिस्ट लोगों ने इस लड़के से एलियन और उनकी दुनिया को तबाह कर दिया, और इस मूवी का एंड आपको सोच में डाल देगा कि इंसान ने एलियन के साथ अच्छा किया या बुरा। मूवी की स्टार्टिंग में हमें यह दिखाया जाता है कि 50 साल पहले फॉर्मेक्स नाम के एलियन फौजी हमारी दुनिया पर हमला किया था और हमारे कुछ बहादुर सिपाहियों ने उन्हें मारकर भगा दिया और एलियन की शिप को तबाह कर दिया। और अब हमारे साइंटिस्ट एलियन से बचने के लिए बच्चों को गेम के जरिए एलियन से लड़ने के लिए ट्रेन किया जा रहा है, जिसके बाद हम एंटर नाम के एक लड़के को देखते हैं जो दिमागी रूप से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था और ये गेम में अपने सीनियर को भी हरा देता है, जिसकी वजह से इसके सीनियर इससे चिढ़ते हैं, पर साइंटिस्ट और कर्नल इससे बहुत ज्यादा खुश हैं। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एंटर के शरीर में से एक चिप निकाल दी जाती है और जैसे ही वो बाहर आता है तो उसके सीनियर उसको पकड़कर एक कमरे में ले जाकर उसको पीटने लगते हैं, पर एंटर बहुत ही ज्यादा बहादुर था, वो एक सीनियर को पकड़कर इतना मारता है कि इसे देखकर बाकी लोग भी डर जाते हैं और कर्नल भी इसे कैमरे से देख रहे होते हैं। और एंटर कुछ दिनों बाद अपने घर आ जाता है और एंटर अपनी वैन वैलेंटाइन से कहता है कि शायद उन्होंने मुझे प्रोग्राम से बाहर निकाल दिया है। और जैसे ही एंटर अपनी फैमिली के साथ डिनर करने बैठता है तभी वहाँ पर कर्नल एंटर से मिलने आ जाते हैं और कर्नल एंटर से कहते हैं कि हमने तुम्हें प्रोग्राम से नहीं निकाला, बल्कि हम यह देखना चाहते थे कि तुम बिना चिपके क्या कर सकते हो। इसके बाद कर्नल एंटर को अकेले में ले जाकर कहते हैं कि पिछली बार एक बहादुर सिपाही ने हमको बचाया था जिसका नाम मेजर रागम था और मुझे तुम्हारी इंटेलिजेंट और बहादुरी पर पूरा भरोसा है और अब तुम्हारी ट्रेनिंग वेटल स्कूल में होगी, जिस पर एंटर मान जाता है और अपनी फैमिली को गुड बाय कहकर वेटल स्कूल में चला जाता है। और हम वेटल स्कूल में देखते हैं बच्चे जीरो ग्रेविटी में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, यहाँ पर बच्चे जंग में लड़ना सीखते हैं, परंतु एंटर यह सोचकर परेशान हो रहा होता है कि रागम मेजर ने किस तरीके से उन्हें एलियन को भगाया था और वो तकनीक हमें कब सिखाई जाएगी। और ये एंटर रात को प्रोग्राम में एक माइंड गेम ढूंढ लेता है जो आज तक कोई भी बच्चे इस गेम को जीत नहीं पाया। और इस गेम के अंदर एंटर एक चूहा है और उसके सामने दो बड़े बड़े गिलास हैं जिसके अंदर जहर होता है। एंटर जब गेम खेलता है तो वो एक गिलास में कूद जाता है, पर इस गिलास में जहर होने के कारण वो वहीं पर मारा जाता है। और एंटर दूसरी बार इस गेम को खेलता है तो दूसरी बार वो दूसरे गिलास में कूदता है, पर इस बार भी वो मारा जाता है। और अब एंटर तीसरी बार इस गेम को खेलता है तो वह गिलास पर चढ़कर उस मॉन्स्टर के आंख को काट देता है, जिसकी वजह से मास्टर वहीं पर मारा जाता है और एंडर इस गेम का लेवल 1 जीत जाता है। कर्नल यह देखकर एंडर से बहुत ज्यादा खुश होते हैं और एंडर अब एलियन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, इसलिए कर्नल उसे सेलेंडरी आर्मी में भेज देते हैं। पर जब एंडर सेलेंडरी आर्मी में पहुंचता है तो उसे सेलेंडरी आर्मी का कैप्टन वॉन्सो मिलता है और वॉन्सो आते ही एंडर की बेइज्जती करने लगता है, कहता है कि तुम कमजोर हो नौसिखी हो और हमारी टीम 21 मैचों में कभी नहीं हारी, इसलिए जब हमारा मैच स्टार्ट हो तो तुम मैच से दूरी रहना। जिसके बाद हम पेंड्रा को देखते हैं जो इन्हीं की टीम की मेंबर होती है। पेंड्रा एंटर से काफी ज्यादा इंप्रेस होती है और पेंड्रा एंटर को धीरे धीरे लड़ना भी सिखाती है। और यह बात जब वॉन्सो को पता चलती है तो एंटर से कहता है कि तुम पेंड्रा से दूरी रहना। और अगली सुबह वॉन्सो उठता है तो कहता है कि 10 मिनट में गेम शुरू होने वाला है, इसलिए सब तैयार हो जाए। और जब सब गेम खेलने जाते हैं तो वॉन्सो एंटर से कहता है कि तुम गेम से दूरी रहना क्योंकि तुम्हें गेम के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाता है और थोड़ी देर में हम देखते हैं कि पेंड्रा जख्मी हो जाती है, इसलिए एंडर गेम में आ जाता है और पेंड्रा को पकड़ लेता है। पेंड्रा एंडर से कहती है कि हमारी मदद करो, हम गेम हार रहे हैं। जिसके बाद एंटर अपनी सूझबूझ से गेम खेलने लगता है और दूसरी टीम में जाकर उनको हरा देता है। और ये सब देखकर कर्नल एंटर से बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सब लोग पृथ्वी से बाहर एक स्पेस स्टेशन में है। इसके बाद एंटर और पेंडर जब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तभी उनके पास वॉन्सू आकर एंडर में एक जोरदार घुसा देता है और कहता है कि तुम मुझसे आगे निकलने की कोशिश भी मत करना। इसके बाद एंडर रात को माइंड गेम का दूसरा लेवल खेलने लगता है और गेम में उसको एक मॉन्स्टर मिलती है जो उसकी बहन वैलेंटाइन में बदल जाती है, तब भी एंडर की आँख खुल जाती है। इसके बाद हम कर्नल को देखते हैं और जल्दी ही इनका सामना 4X के एलियन से होने वाला है, इसलिए कर्नल एंडर को बुलाते हैं और उसे एक नई टीम बनाने को कहते हैं जिसका लीडर खुद एंटर होगा। इसके बाद एंटर अपनी टीम से मिलता है और सबसे कहता है कि आज से हम सब बराबर हैं, किसी के पास अच्छा आइडिया है तो अभी बताते। इसी तरह एंटर अपनी टीम को मजबूत बना लेता है। इसके बाद एंटर की टीम दिन रात मेहनत करती है और अपने आप को बहुत ज्यादा बेहतर बना लेते हैं। इसके बाद कर्नल इनका सामना वंशु की टीम से कराते हैं और जब आपस में इनका मैच होने वाला था, एंटर की टीम का एक मेंबर
पर घायल हो जाता है, जिसकी जगह पर पेंड्रा एंडर की टीम में आ जाती है। और जब मैच स्टार्ट होता है तो वोंजो की टीम छुपकर उन पर हमला कर रही होती है, पर एंडर की टीम एक खास प्लान बनाते हैं जिसके जरिए ये मैच एंडर की टीम जीत जाती है। कर्नल एंडरियो की टीम से बहुत गुस्सा है, पर वोंजो उससे बहुत गुस्सा है, इसलिए जब एंडर नहारा होता है वोंजो उसे मारने लगता है, पर एंडर उससे लड़ना नहीं चाहता था। और इन दोनों की लड़ाई में वोंजो नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। इस पर एंडर को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो उसे मारना नहीं चाहता था। तभी वहां पर कर्नल भी आ जाते हैं और एंटर से कहते हैं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, वोंजो ने ही पहले तुम्हें मारा था, तुम इसके लिए चिंता मत करो, हम इसे पृथ्वी पर भेज देंगे जहां पर इसका इलाज हो जाएगा। और अब कर्नल एंटर को ट्रेनिंग के लिए फॉरेक्स की दुनिया के पास वाले बेस पर भेज देते हैं, जहां पर उसकी ट्रेनिंग होगी। और एंटर को वहां पर मेजर राघव मिलते हैं जो अभी भी जिंदा है, और ये सच इसलिए छुपाया गया था क्योंकि मेजर राघव अपना काम चुपचाप से करते रहे। और मेजर राघव एंटर को अपनी वीडियो दिखाते हैं जिसमें उन्होंने फोरेक्स एलियन की आर्मी को हराया था। यह वीडियो देखने के बाद एंटर को समझ में आ जाता है कि मेजर ने एक स्पेसशिप को चुनकर उस पर हमला कर दिया था, जिससे सारे एलियन के शिप डिएक्टिव हो गए थे। और एंटर मेजर से पूछता है कि ये कैसे हुआ, जिस पर मेजर बताते हैं कि फोरेक्स एलियन चींटियों की तरह है, जैसे चींटियों की एक रानी होती है, जैसे ही एलियन की एक रानी होती है जो सबको आदेश देती है, अगर उसे मार दिया गया तो उनकी फौज भी तबाह हो जाएगी। इसके बाद मेजर राघव एंटर को बेस पर ले जाते हैं जहाँ पर उसकी टीम भी होती है, और ये सब आज एक खतरनाक हथियार चलाना सीखने वाले हैं जिसे एलियन से लड़ने के लिए बनाया गया है। और इस हथियार से हम एक ही वार में एलियन को तबाह कर सकते हैं। यह एंडर की आखिरी ट्रेनिंग है। इसके बाद एंडर को एक बहुत बड़ा हथियार दिखाया जाता है, और यह हथियार इतना ज्यादा खतरनाक है कि यह पूरे प्लेनेट को तबाह करने की क्षमता रखता है। और इसे कैसे चलाते हैं, इसके लिए इन्हें आर्टिफिशियल लड़ाई जीतनी होगी। इसके बाद एंडर देखता है कि कुछ एलियन जो इस गेम के हिस्सा है वो स्पेस की बर्फ में से पानी निकाल रहे हैं, पर एंडर और उसकी टीम को ये कुछ हसली नजारा लग रहा होता है। पर फिर भी एंटर पेंड्रा से कहता है उस खास हथियार को एंड के लिए बचा के रखना, अभी हम छोटे छोटे हमला करेंगे। जिसके बाद एंटर की टीम पूरे होश में उन पर हमला कर देती है। एंटर की टीम बर्फ के नीचे से उन एलियन पर हमला करती है, जिससे उनकी सेवा हो जाती है, और इस तरह से एंटर इस गेम का राउंड वन जीत जाता है। जिसके बाद अगले दिन फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है और लगातार कई दिनों तक चलती है, और कई दिनों के बाद एलियन की टीम इन पर हावी हो जाती है। एलियन ने इनकी शिप तबाह कर दी होती है। अब एंडर हार चुका है, जिस पर मेजर राघव एंडर से बहुत गुस्सा होते हैं और इससे कहते हैं, लड़ाई में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, ये तो सिर्फ गेम है, जब तुम असली लड़ाई लड़ोगे जब तुम क्या करोगे, और तुमने अब तक उस खास हथियार का इस्तेमाल नहीं किया है, तुम्हें उसका इस्तेमाल करना चाहिए था। कर्नल भी उससे कहते हैं, तुम्हें अपनी टीम पर ध्यान रखना चाहिए, और कल तुम्हारे टेस्ट का आखिरी दिन है और आखिरी मौका भी। अगले दिन एंटर जब बेस में पहुंचता है तो कर्नल कहता है, आज अगर तुम ये मैच जीत गए तो ये टेस्ट पार कर जाओगे, जिसके बाद तुम्हें असली सेना का कमांडर बना दिया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं एंटर सभी जहाज को एक खास पोजीशन में ले आता है और उन्हें सेट कर पेंड्रा से उस खास हथियार को चलाने को कहता है, जिसके एक हमले से चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है, और देखते ही देखते एलियन की फौजी टुकड़ी पूरी खत्म हो जाती है। तभी एंटर देखता है कि प्लेनेट पर और भी ज्यादा सिप है जो बाहर आने लगती है। एंटर कहते हैं कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। तभी पेंड्रा कहती है कि मुझे ये हथियार चलाने के लिए 2 मिनट का वक्त चाहिए होगा। तभी एंटर कहता है कि सभी जहाज जाकर पेंड्रा की सिप को कवर कर लो और उसके सिप के चारों ओर सुरक्षा कवच बना लो। जिसके बाद ये लोग फॉर्मेट प्लेनेट पर तेजी से बढ़ने लगते हैं, पर एलियन बहुत ज्यादा होते हैं जो उन पर हमला कर रहे होते हैं, पर एंटर पूरे फोकस के साथ आगे बढ़ने लगता है और पेंड्रा से उस हथियार को प्लेनेट पर निशाना लगाने को कहता है, क्योंकि उन एलियन की रानी उस प्लेनेट पर होगी, अगर रानी खत्म तो इनके बाकी एलियन भी खत्म हो जाएंगे। पर पेंड्रा कहती है प्लेनेट के बीच पर काफी सारे सिप हैं, और एंटर अपने साथियों के साथ बीच का रास्ता साफ करता है, और मौका मिलते ही पेंड्रा उस खास हथियार को उस प्लेनेट पर चला देती है, जिसके बाद एक चेन रिएक्शन के जरिए पूरा प्लेनेट तबाह होने लगता है। और इन सबको ये सब असली लग रहा होता है। जैसे ही प्लेनेट तबाह होता है एलियन के सारे सिप डिएक्टिव हो जाते हैं, और इस तरह से ये लड़ाई एंटर की टीम जीत जाती है।
इसके बाद इन लोगों को उस प्लेनेट की तबाह की हुई तस्वीर दिखाई जाती है, जिस पर एंडर कर्नल से पूछता है ये सब हमें क्यों दिखाया जा रहा है। जिस पर कर्नल उसे बताता है कि यह कोई गेम या टेस्ट नहीं था, तुम असल में उस फेरेक्स प्लेनेट को तबाह कर चुके हो, यह असली जंग थी, तुमने उन सबको खत्म करके पृथ्वी को बचा लिया है। पर एंडर इस पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि यह गलत है, मैंने उनकी पूरी प्रजाति ही तबाह कर दी और उनका प्लेनेट भी, और लोग मुझे हत्यारा समझेंगे। कर्नल उसे बताते हैं कि अगर हम उन्हें खत्म नहीं करते तो वो हमें खत्म कर देते। इस पर एंडर कहता है कि ऐसा नहीं है, वो लड़ाई से पहले रुके थे, जैसे मानो वो हमसे बात करना चाहते थे, पर मैंने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं इसको गेम समझ रहा था और वो 50 साल पहले हमारी दुनिया में आए थे अपनी कॉलोनी बसाने, पर हमने उन पर हमला करके भगा दिया, जिसके बाद वो कभी लौट कर नहीं आए, बल्कि हम उल्टा उन पर हमला करने के लिए आ गए। जिस पर कर्नल उसे बेहोश कर देते हैं, पर जब एंटर की होश में आता है तो वह शिप से बाहर आ जाता है और फेरेक्स प्लेनेट पर किसी बचे हुए एलियन को ढूंढने लगता है। कुछ ही देर बाद इसे फेरेक्स प्लेनेट की रानी मिल जाती है जो उसे मारने वाली होती है, पर इसके आंसू देखकर वो रुक जाती है और एंटर से कहती है कि हम तुम्हारे प्लेनेट पर सिर्फ पानी के लिए आए थे, पर तुमने हमें दुश्मन समझ लिया और वहां से भगा दिया, और आज जब हम स्पेस में मौजूद बर्फ से पानी निकाल रहे हैं तो तुमने हम पर दोबारा हमला कर दिया और साथ ही हमारे प्लेनेट के साथ पूरी प्रजाति ही तबाह कर दी। जिस पर एंटर कहता है कि मैं अपनी गलती को सुधारूंगा और उससे माफी मांगता है। रानी उसे एक अपना अंडा देती है और एंटर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक नया प्लेनेट भी ढूंढूंगा, और एंडर वहां से एक सिम में वेट कर एक नया प्लेनेट की तलाश में निकल जाता है। इस मूवी का पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों इसकी आगे की कहानी और देखनी है तो हमारे चैनल MA कैप्टन वॉली को सब्सक्राइब कर ले।